वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल टीम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि तीन वेक्टर्स अगर आप ले रहे हो, सपोज ए बी एंड सी, उनके जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है एक पैरेललोग्राम के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगी, और उस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का 1/6 टाइम जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का 1/6 टाइम जो है टेट्राहेड्रन के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। तो उन टॉपिक को कवर करने के लिए सबसे पहले हम पैरेललोग्राम का एरिया देखते हैं। तो हमने एक पैरेललोग्राम आगे और इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी एंड डी। तो इसका हम एरिया निकालने जा रहे हैं। तो मान लो जो ये ए बी जो है, ए बी की साइड जो है वेक्टर ए है, और जो ए बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर बी को, ठीक है। तो हम क्यों करेंगे, जो ए क्रॉस बी है उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा इस पैरेललोग्राम के एरिया को। अब हमें पता है जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिस इज इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ये बराबर है बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब जो इसका बेस है, बेस कितना है, जो ए बी लेंथ है, ठीक है, ए बी लेंथ कितनी होगी, जितना ए का मैग्नीट्यूड है, तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। इनटू इसकी हाइट, हाइट अभी हमें निकालनी है, तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो हम डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ए के ऊपर, तो हमने ये ड्रॉ कर दिए हैं परपेंडिकुलर डी से ए बी के ऊपर, सपोज ये है आपका परपेंडिकुलर डी ई। तो हाइट कितनी होगी इसकी, डी ई होगी, यानी हमें अब इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डी ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मान लो जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है इनके बीच में एंगल सपोज थीटा है, तो जो ट्रेंगल आपके ए ए बी है वो कैसे ट्रेंगल है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रेंगल। तो राइट एंगल ट्रेंगल से जो डी ए है बाहर में जो ए बी होगा, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक है। यानी डी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू ए बी इंटू में साइन ऑफ थीटा, और जो ए बी है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में साइन ऑफ थीटा। तो ये जो पैरेललोग्राम है उसका जो एरिया है वो कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में क्या हो गया है, साइन ऑफ थीटा आ गया है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में क्या होता है, साइन ऑफ थीटा। जैसे कि हमने पहले भी बताया था थीटा हम जीरो से पाई लेते हैं ताकि साइन थीटा क्या रहे आपका, नॉन नेगेटिव रहेंगे, तो इसलिए यहाँ जो साइन थीटा है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ए हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ साइन और इंटू साइन ऑफ थीटा, इंटू में हमें पता है कि क्या होता है, यूनिट वेक्टर, जिसे हम डायरेक्शनल वेक्टर भी बोलते थे, ठीक है। अब हम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो किसके बराबर आ गया, देखो ये मैग्नीट्यूड है दिस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो ये हो जाएगा, और स्केलर क्वांटिटी है तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और साइन थीटा नॉन नेगेटिव तो साइन ऑफ थीटा आ गया, और मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर आ गया, ठीक है। जो एन वेक्टर है वो कैसा होता है, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन होता है, तो ये कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में कितना हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा। यानी जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और जो कि किसके बराबर है, ए क्रॉस बी के बराबर, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर। यानी जो ए क्रॉस बी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इस पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अब हम ट्रायंगल का एरिया और देखते हैं। तो मान लो अब हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सपोज ए बी डी, तो हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं, ट्रायंगल ए बी डी। तो इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, हमें पता है कि ट्रायंगल का एरिया जो है वो किसके बराबर होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू में क्या होता है, हाइट होता है, ठीक है। बेस इंटू हाइट जो है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था, जो कि कितना आया है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड।
क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का जो हाफ है वो एरिया ऑफ ट्रेंगल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो था पैरेललोग्राम। अब हम आते हैं पैरेललोपाइड पर। हम देखेंगे जो पैरेललोपाइड है उसकी जो वॉल्यूम है वो रिप्रेजेंट करेगी किसको, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। तो हमने ये पैरेललोपाइड मान ली, मान लो जो ये साइड है सो दिस इज ए और ये जो है ओ है, और ये मान लिया हमने क्या है बी है। मान लो जो ये वेक्टर है, यहाँ जो वेक्टर है आपका ए वेक्टर है, ठीक है, और जो इसके अलोंग ओबी के अलोंग जो वेक्टर है वो सपोज बी वेक्टर है, और जो ओसी के अलोंग जो आपका वेक्टर है वो क्या मान लिया हमने सी वेक्टर है, ठीक है। और ए और बी के बीच में मान लो कितना एंगल है, थीटा है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम जियोजेब्रा की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पर देखो ये आपको क्या दी हुई है, पैरेललोपाइड दी हुई है। मान लो जो ये है हमने ये माना हुआ है सपोज दिस इज ओ, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमने माना हुआ है ओ, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये क्या है ए। तो जो ओ ए वेक्टर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यू वेक्टर को। आप इस तरीके से देख सकते हो, हमने जो फिगर में जो यहाँ फिगर बनाई है, ओ जो है ओ पॉइंट और दिस इज ए वेक्टर, तो दिस इज ओ ए, ठीक है। ये मान लो ए की जगह ये मान लो ओ है और ये आपका सपोज ए है, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है इन्होंने क्या माना हुआ है, इसको यू माना हुआ है, ठीक है। और जो ओबी है इन्होंने देखो यहाँ पर ओबी की जगह आप देख सकते होगे, यहाँ मान लो ओ है और जो ये पॉइंट है दिस इज पॉइंट ये बी है, ओबी को जो है इन्होंने नाम दिया हुआ है वी वेक्टर, ठीक है। तो आपकी ये पैरेललोग्राम है, तो दिस इज क्या हो गया हमारे पास, तो ये क्या हो गया यू वेक्टर और ये क्या हो जाएगा आपका वी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और जो ये वाला वेक्टर है, जो ये वाला वेक्टर है ओ, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस वेक्टर को इन्होंने क्या नाम दिया है डब्ल्यू वेक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो जो ये यू क्रॉस वी है, यू क्रॉस वी की डायरेक्शन ये वाली है, ये जो वेक्टर है यू क्रॉस वी को क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो यू क्रॉस वी है हमें पता है कि वो यू के भी परपेंडिकुलर होगा और वी के भी परपेंडिकुलर होगा। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर जो है इसकी वॉल्यूम जब निकालोगे, जो वॉल्यूम है पैरेललोपाइड की वो किसके बराबर होगी, जो बेस वाला, जो बेस वाला क्या आपका पैरेललोग्राम है, यानी जो ए ओ बी डी है, जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सी, जो बेस वाली है दैट इज ओ ए डी बी, इनटू में क्या होता है परपेंडिकुलर, मतलब इनटू में क्या है हाइट, ठीक है। जो इस पैरेललोपाइड की वॉल्यूम होगी वो किसके बराबर होगी, जो ये बेस वाला पैरेललोग्राम है दैट इज ओ ए बी बी, इसका एरिया इनटू में क्या होगा इसकी हाइट। तो आप यहाँ पर देखो जो इसका बेस है ये वाला कुछ हो गया, यानी ये जो ट्रेंग ये जो आपकी यहाँ पर देख सकते हो इन चार पॉइंट से, ये पॉइंट यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ पर पॉइंट है, ये पैरेललोग्राम का एरिया इनटू में क्या है हाइट, ठीक है। अब पैरेललोग्राम का एरिया हमें पता है, इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है, इस पैरेललोग्राम का एरिया भी हमने निकाला है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस मी बी। अब हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हाइट है देखो, अब हाइट निकालने के लिए क्या करोगे, हाइट निकालने के लिए आप सी पॉइंट से ए पैरेललोग्राम पर, ओ ए बी बी पैरेललोग्राम पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यानी कहने का मतलब क्या है, इस पॉइंट से आप इस पैरेललोग्राम पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर दिख भी रहा होगा आपको जैसे ये ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट से ये इस प्लेन पर क्या कर दिया इन्होंने, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो जैसे ही हम इस पर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर कुछ आपका इस तरीके से आ गए, ठीक है। मान लो इस पैरेललोग्राम को ये यहाँ पर सपोज ई पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इस पॉइंट को ज्वाइन करवा दिया। तो हाइट निकालने के लिए देखो सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, ए क्रॉस बी वेक्टर निकाला है। तो ए क्रॉस बी जो वेक्टर है, ए क्रॉस बी वेक्टर है, ये मान लो ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया, ठीक है। अब अगेन आप ए पर हाथ रखोगे, अपना राइट हैंड हाथ रखोगे और धीरे धीरे अपना हाथ क्लोज करोगे बी की तरफ, तो आप देखोगे कि आपका अंगूठा ऊपर की तरफ है, ठीक
जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आएगी वो अपवर्ड साइड आएगी, तो राइट हैंड थंब रूल से ये अपवर्ड आ गई। अब जो ए क्रॉस बी होता है वो ए के भी परपेंडिकुलर है और वो क्या है, बी के भी परपेंडिकुलर है, यानी ये दोनों जो है वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस सी पॉइंट से जो ये पैरेललोग्राम है यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद मान लो ये पैरेललोग्राम को ई पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। अब हमने इस OE को क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, तो अब हमें हाइट क्या चाहिए, अब आपकी हाइट हो गई है CE, यानी CE की अगर वैल्यू निकल गई तो ऑब्वियस है कि किसकी निकल जाएगी, आपकी, और इसकी वैल्यू भी, वॉल्यूम की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो मान लो जो A क्रॉस B वेक्टर है और जो C वेक्टर है, एक तो A क्रॉस B वेक्टर और एक आपका C वेक्टर, मान लो इनके बीच में जो एंगल है, एंगल को हम ऐसे नोटेशन दे रहे हैं, इनके बीच में जो एंगल है सो दिस इज फाइव। तो हमने मान लिया ए क्रॉस बी और सी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, फाइव है। तो ये एंगल फाइव है तो हमें पता है कि ये एंगल भी कितना होगा, फाइव होगा। ठीक है, दीज आर अल्टरनेट एंगल। ठीक, और ये क्या है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो ये 90 हो गया, तो 90 के सामने वाली जो साइड है, दिस इज क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, मतलब परपेंडिकुलर के सामने वाली हाइट जो है वो आपका क्या होता है, करण होता है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, सीई चाहिए, तो सीई बाय में ओसी, सीई बाय में ओसी, हमें पता है कि सीई बाय में ओसी जो है दिस इज इक्वल टू कोस ऑफ फाइव के बराबर होगा। तो CE दिस इज इक्वल टू OC इनटू में cos ऑफ फाइव आ गया। ठीक है, जो OC है, जो OC है वो क्या कर रहे हैं, C वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ C इनटू में क्या हो गया है, cos ऑफ फाइव आ गया है। तो यानी जो वॉल्यूम है वो बन जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इनटू में क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ C और इनटू में क्या हो जाएगा, cos ऑफ फाइव आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी आपकी वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और सोल्व करके देखते हैं, ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सोल्व करके देखें, तो इसका मीनिंग क्या होता है, ए क्रॉस बी डॉट सी। ठीक है, और दो दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, सपोज एक ई वेक्टर ले लिया, एक एफ वेक्टर ले लिया, इसकी डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू में कोस ऑफ एंगल बिटवीन दैट, जो ई और एफ के बीच में जो एंगल होगा, तो इसका मीनिंग क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू में क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू में क्या हो जाएगा, कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम, और इनके बीच में एंगल हमने कितना बना हुआ है, फाइव। तो देखो जो ए बी सी की जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो इतनी आ गई, लेकिन यही चीज किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोग्राम के बराबर, यानी जो वॉल्यूम है पैरेललोग्राम की वो किसके बराबर आ गई, दिस इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो फिगर, मान लो आपका ये पॉइंट जो है वो दिस इज ओ, और ये पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है, ओ ए जो वेक्टर है यहाँ ए की जगह यू वेक्टर है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर आप देखो ये ओ है और ये पॉइंट सपोज बी है, ओ बी जो वेक्टर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वी वेक्टर को, जो कि हमने किसको माना हुआ था, बी वेक्टर को। तो अब ये पैरेललोग्राम देखो, अब ये वाली पैरेललोग्राम होगी, ये सपोज हमने जिसको नाम दिया है ये सी है। ठीक है, तो जो ये बेस वाला जो ये पैरेललोग्राम था, बेस वाला पैरेललोग्राम, यानी ये वाले इससे और इस पॉइंट से और इस पॉइंट से मिलके जो पैरेललोग्राम बनी है, इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाला, इस पैरेललोग्राम का एरिया हमें पता है दिस इज यू क्रॉस वी की जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगी उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, फिर हमने क्या किया, जो ये डब्ल्यू वेक्टर है, डब्ल्यू वेक्टर की जगह हमने क्या माना हुआ था, सी वेक्टर माना हुआ था। अब हमने क्या किया, यहां से इस पॉइंट से इस पैरेललोग्राम पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, डब्ल्यू वेक्टर से, डब्ल्यू वेक्टर से हमने क्या किया है, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। आप देख सकते हो इस पॉइंट से इस बेस पर, मतलब इस पॉइंट से क्या करोगे आप, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, देख सकते हो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको इस पॉइंट से, इस जो बेस ट्रेंगल है, सॉरी पैरेललोग्राम है,
यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, देन उस परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। तो जो परपेंडिकुलर आएगा वो क्या आएगी, हाइट आएगी, और बेस का एरिया हमें ऑलरेडी पता है, तो अगर हाइट और निकल गई तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा है, यू क्रॉस वी जो है, यू क्रॉस वी जो हमारा ए क्रॉस बी है वो निकाला। यू क्रॉस वी की डायरेक्शन ये आई, यू क्रॉस वी जो है वो यू के भी परपेंडिकुलर होगी और वी के भी परपेंडिकुलर होगी, यानी हमने ए क्रॉस बी निकाला था। फिर ये सी वेक्टर है, जो यू क्रॉस वी है और जो सी वेक्टर है इनके बीच में हमने एंगल जो है वो कितना माना हुआ था, फाइव। जो ये वाला एंगल था, इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो कितना माना हुआ था, फाइव। तो जैसे ही हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लो कुछ यहाँ पॉइंट पर आके मीट किया होगा आपके, ठीक है, और फिर हमने इस पॉइंट को ज्वाइन किया था, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, देन परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाली है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पैरेललोपाइप की वॉल्यूम समझ आ गई। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है पैरेललोपाइप की वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो पैरेलल और जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो टेट्राहेड्रन की वॉल्यूम का 1/6 साइन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जाते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रन। नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रन। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रन समझने के लिए अगेन हम जियोजेब्रा का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन समझने के लिए सबसे पहले हमने एक पैरेललोपाइड मान ली है। ठीक है, तो मान लो जो ये है, दिस इज सपोज ए बी, और जो ये है हमारे पास, हमने इसको क्या माना है, डी। ठीक है, जो बी डी के अलोंग वेक्टर है वो हमने कौन सा माना हुआ था, सी वेक्टर। ठीक है, और ए बी के अलोंग जो हमने वेक्टर लिया हुआ था, ए वेक्टर, और जो बी सी के अलोंग हम जो वेक्टर ले रहे हैं, सपोज दिस इज बी वेक्टर। ठीक है, तो अब इस पैरेललोपाइप की हेल्प से हम सबसे पहले एक टेट्राहेड्रन कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये आपका था डी पॉइंट, और ये था आपका ए पॉइंट, और ये है आपका सी पॉइंट, और ये जो पॉइंट है आपका क्या है, बी पॉइंट है। ठीक है, और जो बी ए के अलोंग जो वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर, और जो बी डी के अलोंग जो वेक्टर है, बी डी के अलोंग जो वेक्टर है, दिस इज ये जो था सी वेक्टर, और जो आपका इसके अलोंग जो बी सी के अलोंग जो वेक्टर है, इसको हमने क्या नाम दिया था, बी वेक्टर। ठीक है, तो अब आपकी ये देखो, ये क्या बन गई है, एक टेट्राहेड्रन बन गई है। तो इस टेट्राहेड्रन की हमें क्या करनी है, वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रन की वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, जो ये बेस ट्रायंगल है, दैट इज जो ए बी सी जो ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल का आपको क्या चाहिए, एरिया चाहिए। अब हमें ये पता है जो ए बी सी ई है वो क्या एक पैरेललोग्राम है, तो जो ट्रायंगल ऑफ ए बी सी जो है इसका एरिया क्या होगा, आधा एरिया होगा किसका, जो पैरेललोग्राम है, दैट इज जो ए बी सी ई पैरेललोग्राम है उसके एरिया का हाफ होगा। यानी जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सी, ए बी सी ई। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो ए बी सी ई पैरेललोग्राम है इसका जो एरिया होगा वो होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का हाफ। तो ये कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, सॉरी, एरिया हमें पता है पैरेललोग्राम का, ये कितना होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो यानी जो ट्रेंगल ए बी, तो जो ये ट्रेंगल ए बी सी है इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो अब मेन काम रहेगा हाइट निकालना। तो अब हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो जो हमने काम किया है उसको हम इस फिगर की हेल्प से समझेंगे। ये फिगर हमने जियोजेब्रा की हेल्प। तो अब हम करते हैं टेट्राहेड्रन की वॉल्यूम। ठीक है, तो मान लो आपको ये टेट्राहेड्रन दिया है, सपोज ये आपका डी पॉइंट है और ये सपोज आपका बी पॉइंट है। ठीक है, और ये सी पॉइंट है, सपोज दिस इज सी पॉइंट, और जो ये पॉइंट है ये हमने क्या मान लिया, ए पॉइंट है।
और जो बी की अलोंग जो वेक्टर है सपोज दिस इज ए वेक्टर, और जो बी सी की अलोंग है सपोज दिस इज बी वेक्टर, और जो बी डी की अलोंग जो वेक्टर है वो कितना है सी वेक्टर। अब हमें पता है जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन ये क्या होती है, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स इनटू ये जो बेस ट्रायंगल है, बेस ट्रायंगल आपको दिख रही होगी, दिस इज बी ए सी, जो बेस ट्रायंगल है उसका एरिया, एरिया ऑफ बेस ट्रायंगल बी ए सी इनटू ये क्या होता है हाइट। ठीक है, तो अगर आप हाइट कहां से, जो तीसरा पॉइंट मतलब जो चौथा पॉइंट रह गए, तो हाइट फ्रॉम डी टू बेस ट्रायंगल, बेस ट्रायंगल, और कैसे हाइट परपेंडिकुलर हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो बेस ट्रायंगल है बी ए सी, और हाइट कहाँ से लेनी है आपको डी से, कहाँ तक आपको लेनी है उस बेस ट्रायंगल तक। तो अगर आपका एरिया निकल गया बी ए सी ट्रायंगल का और हाइट निकल गई, तो आपको वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रन आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जो बी ए सी ट्रायंगल है, इसकी हेल्प से हम एक पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं, जिसकी जो साइड्स हैं वो क्या हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो जैसे हमने पीछे देखा था कि जो ट्रायंगल है, फिर ट्रायंगल का एरिया जो है वो कितना हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ ए, जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगी ए और बी की उनका मैग्नीट्यूड। तो दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटू में 1/2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू में क्या हो जाएगा हाइट, हाइट को मान लो एक बार के लिए हमने क्या नाम दे दिया एच। ठीक है, अब हमें हमारा काम रह गया हाइट निकालना। तो अब हाइट निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, सी पॉइंट से इस ट्रेंगल पर, बेस ट्रेंगल के ऊपर हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो अब हम डी पॉइंट से बेस ट्रेंगल के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये मान लो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है डी पॉइंट से किस पर, बी ए सी पर। ठीक है, तो ये जो है मान लो ये किसी आपका जी पॉइंट पर आकर आपका मीट कर रहा है। ठीक है, तो फिर अब आप क्या करोगे, बी और जी को ज्वाइन कर दोगे, बी और जी को आपको ज्वाइन करना है। तो फिर क्या करना है आपको, बी और जी को ज्वाइन करना है। तो हमने बी और जी को ज्वाइन करवा दिया, तो हमें ये पता है कि जो ये वाला एंगल होगा ये कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो जो हाइट है, हाइट कितनी आ जाएगी डी पॉइंट से, दिस इज इक्वल टू डी जी आ जाएगी। तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डी जी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करना है आपको, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जो है वो जी डी के पैरेलल ही आएगी, क्योंकि जो जी डी है वो हम क्या कह रहे हैं नॉर्मल हाइट ही ले रहे हैं, दिस इज परपेंडिकुलर हाइट। और जो आपका ए क्रॉस बी होता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो अब हम ड्रॉ करने वाले ए क्रॉस बी। तो अब सबसे पहले तो ये देखो कि जो ए क्रॉस बी है उसकी डायरेक्शन आपको अपवर्ड मिलेगी। अगेन आपको क्या करना है, ए की साइड हाथ रखना है, राइट साइड हाथ रखना है, और आपको बी की तरफ धीरे धीरे क्लोज करना है। तो राइट हैंड थंब रूल से आप देखोगे कि जो आपका अंगूठा है वो ऊपर की साइड है, यानी आपको जो ए क्रॉस बी है वो अपवर्ड साइड मिलेगा, और ऐसे मिलेगा जो कि क्या है डी जी के पैरेलल, मतलब आपकी कुछ ये पैरेलल लाइंस होगी, ये जो है कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, जो ये वाला आपका आया है सपोज, जो ये आया है, ठीक है, दिस इज ए क्रॉस बी, और जो ये ए क्रॉस बी आएगा वो डी जी के क्या होगा पैरेलल होगा। अब हमें क्या निकालना है, डी जी निकालना है, तो डी जी निकालो या फिर इसको एक बार के लिए नाम दे दो सपोज बी एम निकालो, डी जी निकालो या बी एम निकालो, दोनों बात क्या होंगी सेम होंगी। ठीक है, तो बीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमने इसको ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है, हमने मान लिया जो ए क्रॉस बी वेक्टर है और जो सी वेक्टर है इनके बीच में जो एंगल है, सपोज इनके बीच में जो एंगल है वो मान लो कितना है फाई है। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डीजी की, या फिर हम कहें किसकी वैल्यू निकालनी है बीएम की।
ठीक है, तो BM की वैल्यू निकालने के लिए देखो सबसे पहले ये कितना हो गया, 90 हो गया। तो हम ट्रेंगल लें BMD, तो ये 90 है, तो यानी ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के सामने वाला कोण हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया। हमें क्या चाहिए, BM चाहिए। तो BM बाय में BD जो है, BM बाय में BD दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोस ऑफ फाई हो जाएगा। यानी जो BM है, BM दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BD इंटू में कोस ऑफ फाई हो जाएगा। ठीक है, और जो BD की वैल्यू है वो कितने आई है, BD की जो वैल्यू आएगी दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ C, ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा, कोस ऑफ फाई। तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 टाइम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इंटू में क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ C इंटू में क्या हो जाएगा, कोस ऑफ फाई आ जाएगा। ठीक है, अब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं AB और C की। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगी A क्रॉस B डॉट ऑफ C। ठीक है, और डॉट का मीनिंग होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इंटू में क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ C इंटू में क्या हो जाएगा, कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम, और इनके बीच में एंगल हमने कितना माना हुआ है, फाई। यानी जो ये चीज है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 टाइम ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ AB एंड C। ठीक है, तो जो वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रन है वो 1/6 टाइम आई है किसका, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ AB C। अब इसी कंसेप्ट को एक बार हम जियोजेब्रा की हेल्प से और समझते हैं। तो जो हमने प्रोसीजर फॉलो किया है उसे हम जियोजेब्रा की हेल्प से समझते हैं। तो हमने चार पॉइंट ले लिए, सपोज हमने एक पॉइंट ले लिया है A और एक पॉइंट ले लिया है B, एक पॉइंट हमने लिया है C और एक पॉइंट हमने लिया है D। इनकी हेल्प से हमने एक टेट्राहेड्रन जनरेट की है। तो आप देख सकते हो ये आपकी एक टेट्राहेड्रन बनी है। तो जो हमने फिगर में बनाई थी, मतलब आपकी कुछ इस तरीके से दिख रही है आपको, ये टेट्राहेड्रन, ये डी पॉइंट है, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। ठीक है, जो BC के अलोंग जो वेक्टर था वो हमने क्या लिया हुआ है, BC के अलोंग हमने B वेक्टर लिया हुआ है, और जो BA के अलोंग था, जो BA के अलोंग आपका वेक्टर है वो हमने क्या लिया हुआ था, A वेक्टर। ठीक है, हमारा जो उस फिगर में था, उस फिगर में सी की जगह ए आया हुआ था और ए की जगह सी, मतलब आप कह सकते हो कि BC की जगह BC जो वेक्टर है वो, सपोज दिस इज ए वेक्टर, और जो BA जो वेक्टर है, सपोज दिस इज आपका क्या है, B वेक्टर, और BD के अलोंग जो आपका वेक्टर है वो क्या है, D वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या आ गई, एक टेट्राहेड्रन बन गई है, आप देख सकते हो ये टेट्राहेड्रन है। ठीक है, ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम जो ये ट्रेंगल है ABC, ये जो ट्रेंगल है ABC, इसका हम प्लेन निकालेंगे। तो इसका अब हमने प्लेन ट्रेस कर लिया। तो देखो जो ABC है इसका प्लेन हमने निकाल लिया है, जो ये स्काई ब्लू कलर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ABC के प्लेन को। ठीक है, ये हमने प्लेन निकाला है AB और C का। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, अब आपको ये तो पता था कि जो ABC जो ट्रेंगल है इसका एरिया तो हमें पता है कि हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B आ रहा था। अब हमें D से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कहां पर, इस ट्रेंगल पर ABC पर, यानी ये जो प्लेन आया है P प्लेन आया है, इस प्लेन के ऊपर हम D पॉइंट से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो ब्लैक कलर की जो लाइन है वो आपका जो है परपेंडिकुलर आ गया है कहाँ पर, जो ये प्लेन है। ठीक है, आप इसको मूव भी कर सकते हो, आप इसको आसानी से देख सकते हो। तो देखो ये जो है, यहाँ आपको दिख रहा होगा फिगर में, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये इसको मीट नहीं कर रहा है, आपको क्लियरली यहाँ दिख रहा होगा, जस्ट इसी ABC ट्रेंगल के अंदर ही है ये, जो ये पोर्शन है ABC ट्रेंगल के अंदर है, जस्ट यहाँ दिख रहा है कि बाहर है लेकिन यहाँ अंदर है, आप देख सकते हो क्लियरली। ठीक है, आई थिंक ये दिख रहा है, तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। अब हमें क्या चाहिए, जो ये परपेंडिकुलर आया है वो हम देखना चाहते हैं कि इस ट्रेंगल को कहाँ पर मीट किया है। तो हमें वो पॉइंट ट्रेस करना है जहाँ ये परपेंडिकुलर जो है इस ट्रेंगल को मीट कर रहा है, उसको हमने नाम दे दिया ई।
तो आपका ये E पॉइंट ट्रेस हो गया है, E पॉइंट आप देख सकते हो, E पॉइंट ट्रेस हो गया है जहां हमने D से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की थी ABC प्लेन के ऊपर। ठीक है, तो जो ABC जो प्लेन है उसको जो है परपेंडिकुलर लाइन E पॉइंट पर क्या कर रही है, कट कर रही है। ठीक है, अब हमने जो U वेक्टर है, मतलब यहां पर हमने U नाम दे दिया, BA के अलोंग जो वेक्टर है वो हमने U नाम दे दिया है। ठीक है, और फिर जो BC के अलोंग जो वेक्टर है, BC के अलोंग जो वेक्टर है वो V नाम दे दिया। ठीक है, BA के अलोंग जो है उसको हमने U नाम दे दिया और BC के जो अलोंग है उसको हमने V नाम दे दिया है। ठीक है, अब फिर हमने क्या निकाला, U और V वेक्टर की क्रॉस निकाली, यानी जो आपका A और B वेक्टर था वहां रोल प्ले कर रहा है, यानी जो आपका A और B वेक्टर था उसकी जगह यहाँ रोल कौन प्ले करेगा, U और V वेक्टर प्ले करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, U और V जो वेक्टर्स हैं, दैट इज जो A और B वेक्टर्स हैं उसकी हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो उसकी क्रॉस देखो आप, यहाँ पर जो पिंक कलर जो है आप देख सकते हो, यहाँ इसको हटाने से आपको पता चलेगा क्या रोल प्ले कर रहा है। आपकी पिंक लाइन नीचे आपको दिख रही होगी, जैसे एक बार यहां से रिमूव कर रही हूं तो आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा यू क्रॉस वी है। ठीक है, तो ये जो पिंक लाइन आई है, पिंक लाइन ये वाली जो लाइन है, ये लाइन ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज यू क्रॉस वी को आप देख सकते हो। यहाँ पर यहाँ सी और ए जैसा कि हमारा पॉइंट इंटरचेंज हो चुका है, मतलब जहां हमने प्रूव किया था वहां सी की जगह ए है और ए की जगह सी है, तो हमें ए क्रॉस बी चाहिए था, यानी हमें वी क्रॉस यू चाहिए। तो यहाँ यू क्रॉस वी की जगह आप वी क्रॉस यू निकालो, वी क्रॉस यू। ठीक है, तो वी क्रॉस यू, अब आप देखो ये हो गया है आपका वी क्रॉस यू, आप इजीली देख सकते हो दीज आर पैरेलल, जो डी ई वेक्टर है और जो आपका वी क्रॉस यू है वो वेक्टर्स कैसे हैं आपके, पैरेलल्स हैं। तो हमने जो ये जो है डी ई जो वेक्टर है, डी मतलब अब हमने क्या करा, डी ई जो वेक्टर है ये निकाल लिया, जो डी ई जो वेक्टर है ये निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि हमें ये हाइट चाहिए, यानी हमें जो वेक्टर जो ये DE है, दैट इज जो B वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक, अब देखो एंगल निकालो आप इस DE वेक्टर के और DE वेक्टर के बीच में, और जो ये क्रॉस प्रोडक्ट आई है, तो आप इनके बीच में जैसे ही एंगल निकालोगे तो आप देख सकते हो यहाँ एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री, मतलब जस्ट डायरेक्शन अपोजिट है, और मतलब जस्ट डायरेक्शन का ही रोल है यहाँ पर। अगर हम ED वेक्टर लें तो एंगल कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जो ये क्रॉस प्रोडक्ट होगी और जो ये ED वेक्टर कहो या DE वेक्टर कहो, ये दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे, पैरेलल्स होंगे। ठीक है, तो अगर हम क्रॉस के बीच में और जो वेक्टर जो BD वेक्टर है इसके बीच में एंगल फाई ले रहे हैं, यानी जो C वेक्टर है और जो क्रॉस वेक्टर है इनके बीच में अगर हम एंगल फाई ले रहे हैं, तो जो DE होगा और जो C वेक्टर होगा इनके बीच में एंगल भी कितना होगा, फाई होगा। बिकॉज जो DE जो ED वेक्टर है और जो क्रॉस आई है V क्रॉस U, दोज आर पैरेलल्स। ठीक है, ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। इस वजह से जो C और क्रॉस के बीच में एंगल होगा वही C और DE के बीच में एंगल होगा, जो कि हमने फिगर में कितना माना हुआ था, फाई माना हुआ था। फिर हमारा काम क्या रहेगा, जो ये B आया है, जो ये B पॉइंट है और जो ये E है, जहां पर E जो है पॉइंट कौन सा था, जहां ये परपेंडिकुलर लाइन इस प्लेन को मीट कर रही थी, तो बी और ई को हमने ज्वाइन कर दिया है, यानी जो बी और ई है, जो ये एंगल है आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, 90, और ये एंगल कितना हो जाएगा, फाई, क्योंकि हमने क्रॉस और सी के बीच में एंगल कितना माना हुआ है, फाई माना हुआ है, और जो ED है और जो क्रॉस है वो क्या है, पैरेलल है, तो यानी जो ED है और सी वेक्टर है इनके बीच में क्या हो जाएगा, एंगल फाई आ जाएगा। तो फिर जो ये ट्रेंगल होगी DEB, ये कैसी होगी, राइट एंगल ट्रेंगल, आपको हाइट चाहिए, दैट इज आपको DE चाहिए। तो जैसे ही आप DE हाइट निकालोगे तो DE जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी, DE बाय में जो आपका BD है, दिस इज इक्वल टू कोस फाई आ जाएगा, यानी जो DE है दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ C इंटू में कोस ऑफ फाई आ जाएगा।
तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड हूज एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर। एक वेक्टर दिया हुआ है 2i माइनस में 3j, माइनस में कितना दिया हुआ है प्लस में कितना दिया हुआ है 4k कैप, और जो b वेक्टर है दिस इज इक्वल टू i प्लस में 2j माइनस में k कैप, और जो c वेक्टर है दिस इज इक्वल टू 3i माइनस j प्लस में 2k कैप। ठीक है, आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड निकालनी है। तो वो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड हमें पता है कि दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी, तो ये आपका जो है आ जाएगा 2 -3 4 1 2 -1 3 -1 2। ठीक है, इस डिटरमिनेंट को आप सोल्व कर लोगे और इस डिटरमिनेंट का जो आंसर है वो -7 आएगा। लेकिन जो ठीक है, तो ये आ गया है पैरेललोपाइप्ड का। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की किसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।